बोलो श्री बद्रीनाथ भगवान की जय। दोस्तों, स्कंद पुराण में इस मंदिर का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि स्वर्गलोक, भूलोक तथा पाताललोक तीनों ही जगह अनेक तीर्थ स्थान है, परंतु बद्रीनाथ जैसा कोई तीर्थ न कभी था और न कभी होगा, क्योंकि यहाँ पूर्व समय में श्रीहरि विष्णु का साक्षात दर्शन देवताओं एवं सिद्ध पुरुषों को हुआ करता था। दोस्तों, प्रकृति की गोद में बसा हुआ आठवें वैकुंठ के नाम से जाना जाने वाला वह पावन धाम, जहाँ 6 महीने मनुष्य तथा 6 महीने देवता श्रीहरि का पूजन किया करते हैं, उत्तराखंड राज्य के चमोली डिस्ट्रिक्ट के अलकनंदा नदी के तट पर नर और नारायण दो पर्वत श्रृंखला के बीच उपस्थित है। बद्रीनाथ समुद्र तल से 3,100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु के एक रूप श्री बद्रीनारायण की पूजा की जाती है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार बद्रीनाथ तथा इसके आसपास का पूरा क्षेत्र शिव भूमि के नाम से जाना जाता था। जब गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई तो यह 12 धाराओं में बट गई तथा इस स्थान से होकर बहने वाली धारा अलकनंदा नदी के नाम से विख्यात हुई। मंदिर के उद्गम से जुड़ी पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु जब अपने ध्यान में सोच रहे थे, तब अलकनंदा के समीप पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने काल रूप में उतार लिया और क्रंदन करने लगे। उनका क्रंदन सुनकर पार्वती का हृदय द्रवित हो और बालक के समीप उपस्थित होकर उसे मनाने का प्रयास किया और अपनी गोद में उठाकर अपनी माँ स्थान पर ले गई। और जब बालक सो गए तब माता पार्वती स्नान करने चली गई। जब भगवान शिव और माता पार्वती वापस आए तो देखा कि उनके माँ स्थान का दरवाजा नहीं खुला। तब दोनों ने विचार विमर्श किया और उस स्थान को छोड़कर केदारनाथ चले गए। और इस युग से श्रीहरि ने अपने मन पसंद धाम प्राप्त किया। यही पवित्र स्थान वर्तमान में बद्री विशाल के नाम से जाना जाता है। इस स्थान के नाम से जुड़ी कथा के अनुसार जब श्रीहरि विष्णु इस स्थान पर ध्यान कर रहे थे तब उनके सिर पर बर्फ गिरता था। तब माता लक्ष्मी बद्री अर्थात बेर का पेड़ बनकर भगवान विष्णु को छाया प्रदान करती रही। जब भगवान विष्णु का ध्यान योग पूरा हुआ तो देखा था लक्ष्मी उनको बेर का पेड़ बनकर छाया प्रदान कर रही। तब श्रीहरि ने कहा, हे देवी, जितना ध्यान मैंने किया है उतना ही तब आपने भी किया, इसलिए आज से इस जगह को बद्रीनाथ के नाम से जाना गया। विष्णु पुराण में इस क्षेत्र से संबंधित एक अन्य कथा है जिसके अनुसार धर्म के दो पुत्र हुए नर तथा नारायण, जिन्होंने धर्म के विस्तार हेतु कई वर्षों तक इस स्थान पर तपस्या की थी। नर नारायण ने भी क्रमशः अगले जन्म में क्रमशः अर्जुन तथा कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। इस मंदिर में 3 संरचनाएं हैं, गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। चौड़ी सीढ़ियों के माध्यम से मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंचा जा सकता है। इसे सिंह द्वार कहा जाता है। यह एक लंबा धनुषाकार द्वार है। इस द्वार के शीर्ष पर 3 स्वर्ण कलश लगे हुए हैं और छत के मध्य में एक विशाल घंटी लटकी हुई है। अंदर प्रवेश करते ही मंडप है। एक बड़ा स्तंभों से भरा हाल है जो गर्भगृह या मुख्य मंदिर क्षेत्र की ओर जाता है। गर्भगृह में भगवान बद्रीनारायण की 1 मीटर लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है। बद्रीनारायण की इस मूर्ति को हिंदुओं द्वारा विष्णु के 8 स्वयं प्रकट हुई प्रतिमाओं में से एक माना जाता है। मूर्ति में भगवान के 4 हाथ हैं, 2 हाथ ऊपर उठे हुए हैं, एक में शंख और दूसरे में चक्र है, जबकि अन्य 2 हाथ योग मुद्रा पद्मासन की मुद्रा में भगवान की गोद में उपस्थित है। बद्रीनाथ मंदिर में आयोजित सबसे मुख्य पर्व माता मूर्ति का मेला है, जो माँ पृथ्वी पर गंगा के आगमन की खुशी में मनाया जाता है। इस त्योहार के दौरान बद्रीनाथ की माता की पूजा की जाती है, जिन्होंने पृथ्वी के प्राणियों के कल्याण के लिए नदी को 12 धाराओं में विभाजित कर दिया। बद्री केदार यहाँ का एक अन्य प्रसिद्ध त्योहार है जो जून के महीने में बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों मंदिरों में मनाया जाता है। यह त्योहार 8 दिनों तक चलता है और इसमें आयोजित समारोह के दौरान देश भर से आए कलाकार यहाँ प्रदर्शन करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ के कुछ प्रमुख आकर्षण केंद्र और उनके बारे में। बद्रीनाथ धाम के पास स्थित नारद कुंड से अधिकांश लोग परिचित है। यह मान्यता है कि नारद मुनि 4 धाम यात्रा पर निकले तो उन्होंने यही तप किया था। उनके तप के बल से यहाँ 2 जलधारा
निकली है जिसमें एक गर्म और दूसरी ठंडी जलधारा थी। तभी से इस जलधारा का नाम नारद गंगा रखा गया, तप्त कुंड सूर्य कुंड। माना जाता है कि बद्रीनाथ में गर्म पानी का एक कुंड मिलता है जहां स्नान करने से शरीर संबंधित सभी प्रकार के चर्म रोगों से मुक्ति मिल जाती है। बाहर से छूने पर कुंड का पानी काफी गर्म लगता है, लेकिन नहाते समय कुंड का पानी शरीर के तापमान जितना ही हो जाता है। तप्त कुंड की मुख्य धारा को दो भागों में बांटकर यहां महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग स्नान कुंड बनाया गया है। माना जाता है कि नीलकंठ की पहाड़ियों से इस पानी का उद्गम है। इस तप्त कुंड के रहस्य की गुत्थी कई वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए। माना जाता है कि भगवान बद्रीनाथ ने यहां तप किया, वही पवित्र स्थल आज तप्त कुंड के नाम से भी विख्यात है। मान्यता है कि उनके तप के रूप में ही आज भी उस कुंड में गर्म पानी रहता है। दूसरी मान्यता यह भी है कि इस तप्त कुंड में साक्षात सूर्य देव विराजे हैं। यहाँ के पुरोहित बताते हैं कि भगवान सूर्य देव को भक्षा भक्षी की हत्या का पाप लगा था। तब भगवान नारायण के कहने पर सूर्य देव बद्रीनाथ आए और तप किया। तब से सूर्य देव को भगवान ने जल रूप में विकलित किया, जिसमें स्नान कर लोग अपनी शरीर संबंधी सभी समस्याओं से भी मिल जाती है और भगवान के दर्शन कर पापों से मुक्ति पाते हैं। मंदिर में महज 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पूजा से पहले इसी तप्त कुंड के गर्म पानी से स्नान करते ही है। यहाँ मौजूद गणेश गुफा, भीम पुल, व्यास गुफा अपने आप में कई पौराणिक कथाओं को समेटे हुए है। ब्रह्म कपाट अलकनंदा नदी के तट पर स्थित ब्रह्म कपाट बद्रीनाथ में एक स्थान है जो हिंदुओं के लिए बहुत महत्व रखता है। यहीं पर वे अपने पूर्वजों को मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि देते हैं। भीमपुल, यह स्थान बद्रीनाथ की पहाड़ियों से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भीमपुल माड़ा गांव में महाभारत काल का बना हुआ एक पुल आज भी मौजूद है, जिसे भीमपुल के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि जब पांडव इस गांव से होते हुए स्वर्ग जा रहे थे तो उन्होंने यहाँ मौजूद सरस्वती नदी से आगे जाने का रास्ता मांगा था, लेकिन सरस्वती नदी ने मार्ग देने से मना कर दिया, जिसके बाद महाबली भीम ने 2 बड़ी-बड़ी चट्टानों को उठाकर नदी के ऊपर रख दिया और अपने लिए रास्ता बनाया था। इसके बाद इस पुल को पार करके पांडवों ने स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया था। नीलकंठ पर्वत गढ़वाल हिमालय की प्रमुख चोटियों में से एक नीलकंठ पर्वत 6,507 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बर्फ से ढकी पर्वत चोटी बद्रीनाथ मंदिर के ठीक ऊपर से निकलती है और गढ़वाल क्वीन के नाम से प्रसिद्ध है। इसके पिरामिड जैसा आकार होने की वजह से बद्रीनाथ मंदिर की यात्रा करने वाले भक्तों का मानना है कि ऐसा लगता है मानो कि चोटी पर भगवान शिव बैठे हैं। यही वजह है कि इसका नाम उनके नाम पर ही नीलकंठ पर्वत रखा गया है। सूरज की पहली किरण जब नीलकंठ पर्वत की चोटी पर पड़ती है तो यह अद्भुत दृश्य वास्तव में आनंद करने वाला होता है। यदि आप जुलाई से सितंबर के महीनों के दौरान नीलकंठ जाते हैं तो आप ब्रह्म कमल फूलों की आकर्षक सुंदरता को भी देख पाएंगे, जो पवित्र होने के साथ साथ राजकीय पुष्प के रूप में भी नामित है। चरण पादुका, चरण पादुका नारायण पर्वत पर स्थित है जो बद्रीनाथ शहर से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर और 3,380 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक चट्टान है जिसमें भगवान विष्णु के पद चिन्ह उपलब्ध है। इस जिला खंड को एक धार्मिक स्थल माना जाता है जहाँ हर साल सैकड़ों तीर्थयात्री और पर्यटक जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु अपने आकाशी निवास से पृथ्वी पर अवतरित हुए, जिसे वैकुंठ भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि चरण पादुका की यात्रा और पैरों के निशान देखने से भक्तों की बीमारियों का इलाज हो सकता है। वसुंधरा वाटरफॉल बद्रीनाथ से 9 किलोमीटर दूर माड़ा गांव में स्थित है। यह वाटरफॉल 12,000 फीट की ऊंचाई पर अलकनंदा नदी से मिलता है। ऐसा माना जाता है कि यह पांडवों का विश्राम स्थान था। यह मनमोहन झरना हिमालय के शांत वातावरण में स्थित है और ऐसा माना जाता है कि
इस झरना का पानी उन लोगों से दूर हो जाता है जो पितर से अशुद्ध है। ट्रैक के दौरान वसुंधरा नदी घाटी के तीस लुभावने हैं। वसुंधरा फॉल्स तक 6 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके पहुंचा जा सकता है। बद्रीनाथ से माड़ा गांव तक पहला 3 किलोमीटर एक सड़क है और टैक्सी द्वारा पहुंचा जा सकता है, जबकि शेष 6 किलोमीटर लगभग 2 घंटे चलने योग्य ट्रैक है। माड़ा गांव से सरस्वती नदी से गुजरने के बाद ट्रैक थोड़ा मुश्किल हो जाता है। व्यास गुफा बद्रीनाथ के पास माड़ा में एक पवित्र स्थल है ऐसा माना जाता है। ऋषि व्यास ने भगवान गणेश की मदद से यहाँ महाकाव्य महाभारत की रचना की थी। गुफा की एक अनूठी विशेषता इसकी छत है जो एक लिख के पन्नों से मिलती जुलती है। इस स्थान पर आसानी से पहुंचा जा सकता है क्योंकि यह माड़ा गांव में स्थित है जो बद्रीनाथ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप बद्रीनाथ की यात्रा के दौरान इस स्थान को अपने यात्रा लिस्ट में शामिल करें। ट्रेन से बद्रीनाथ कैसे पहुंचे? अगर आपने बद्रीनाथ जाने के लिए ट्रेन को चुना है तो आपको बता दूं कि बद्रीनाथ का निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है जो बद्रीनाथ से 295 किलोमीटर दूर है। ऋषिकेश से बद्रीनाथ पहुंचने के लिए आप बस या टैक्सी ले सकते हैं। बस से बद्रीनाथ कैसे पहुंचे? अगर आपने बद्रीनाथ जाने के लिए बस का चुनाव किया है तो आपको बता दें कि बद्रीनाथ देहरादून ऋषिकेश हरिद्वार रुद्रप्रयाग चमोली जैसे शहरों से नियमित बसों द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। फ्लाइट से बद्रीनाथ कैसे पहुंचे? अगर आपने बद्रीनाथ जाने के लिए हवाई मार्ग चुना है तो आपको बता दूं कि बद्रीनाथ में जॉली ग्रांट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लगभग 314 किलोमीटर की दूरी पर बद्रीनाथ का निकटतम हवाई अड्डा है। हवाई अड्डे से बद्रीनाथ के लिए टैक्सी आसानी से उपलब्ध है। नई दिल्ली कोलकाता और मुंबई जैसे शहरों से नियमित उड़ान इस हवाई अड्डे से उड़ान भरती है। हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद आप पर्यटन स्थल तक पहुंचने के लिए टैक्सी या कैब किराए पर ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।